Assalamualaikum एवरी वन एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल स्टडी विथ हतीजा आई एम and एंड we वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग येट अ वेरी सिंपल एंड topic टॉपिक ऑफ फिजिक्स क्लास that दैट इज़ द बेसिक of ऑफ नेचर यानी आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम जो हमारी चार बेसिक फोर्सेस फोर्स ऑफ़ नेचर हैं उनको स्टडी करेंगे गए थे टॉपिक जितना आसान है उतना ही इम्पॉर्टेंट है एम सी पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि पहले भी बहुत सारे एम सी क्यू इस टॉपिक से आ चुके हैं एंड होप सो आगे भी आते रहेंगे तो इस टॉपिक की एवरी सिंगल लाइन इड्स योर अल्टीमेट अटेंशन आप किसी भी लाइन को छोड़ नहीं सकते हर लाइन से एक स्पेसिफिक से एम सी बन सकता है तो सबसे पहले वॉट इज़ फोर्स फोर्स क्यों चाहिए नेचर में फोर्सेज क्यों प्रेजेंट हैं तो बेसिकली कोई भी काम करने के लिए हमें फोर्स चाहिए वी हैव वर्क डन अगर हमने कोई भी काम करना है वर्क करना है तो हमें फोर्स चाहिए वर्क डन क्या होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी यानी अगर फोर्स नहीं होगी देन दे विल बी नो वर्क डन यानी कोई भी काम कर रहा है व दट इज़ वॉकिंग राइटिंग रनिंग अगर फोर्स नहीं होगी देन दे विल बी नो वर्क डन तो जस्ट फॉर दिस सीक टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क वी नीड टू हैव फोर्सेज एंड दीज आर फोर बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेज जो कि आज पूरे लेक्चर पर हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले हम उन चार बेसिक फोर्सेस के नाम लिख लेते हैं दे आर चार फोर्सेस हैं हमारे पास चार नेम ली नंबर वन वी हैव स्ट्रोंग फोर्स नंबर टू इज इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फोर्स

तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है तो so, सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रांग फोर्स की देखनी है वो है इसका पर्पस यानी कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ हम इसे फाइंड करते हैं तो बेसिकली इट इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर फॉर बाइंडिंग द न्यूक् अब न्यूक्लियस हमारे पास क्या होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो जो न्यूक्लियन्स को न्यूक्लियस में बाइंड रखती है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है अब ये फ़ोर्स हमारे पास प्रोटॉन टू तो प्रोटॉन के दरमियान भी हो सकती है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन के दरमियान भी ये फोर्स हो सकती है यानी इस फोर्स का काम क्या होता है कि ये न्यूक्लियन्स को बाइंड करती है न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के लिए अगली बात मेरे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स की आती है इसकी रेंज यानी इसकी रेंज कहाँ तक है ये किस एक्सटेंट तक जो है हमारे पास अप्लाई करती है दो पार्टिकल्स के दरमियान उसकी तो जो रेंज है मेरे पास बहुत शॉर्ट सी दैट इज टेन रेज टू पार माइनस फोर्टीन मीटर यानी अगर इतने तक का डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियांस के दरमियान तो फिर उनके ऊपर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होगी अभी स्ट्रॉन्ग फोर्स को बार बार स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये फोर्स हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं इसकी रेंज थंडस्टा माइनस फोर्टीन है क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है ये एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है उस जगह को हाईली बाइंड कर देती है न्यूक्लियॉन्स को अगली बात हमारे पास रेंज के पास आती है इसका एक्सचेंज पार्टिकल नॉ दिस वर्ड मे बी आ न्यू वर्ड फॉर यू गाइज अब यहाँ जो एक्सचेंज पार्टिकल है ये होता क्या है अब साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो हमारे पास फोर्स है वो एज अ रिजल्ट होती है ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स एट अंडर गोइंग द फोर्स यानी कोई से दो पार्टिकल जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके दरम्यान एक्सचेंज होता है सर्टिन पार्टिकल्स को और वो पार्टिकल्स या मटीरियल रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी फोर्स के डिवेलप होने के लिए तो यहाँ एक्सचेंज मटेरियल या चले से इट शुड बी अ पार्टिकल एक्सचेंज पार्टिकल जो मेरे पास है वो इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास होता है गिलियन अब गिलियन जो हमारे पास एक, एक एक्सचेंज पार्टिकल है इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड हमें इतना पता है कि इट इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल जो कि हमारे पास न्यूक्लियन यानी तो प्रोटोन्स टू तो न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉ टू न्यूट्रॉन या प्रोटोन प्रोटोन के दरमियान एक्सचेंज होता है वो इंटरेक्ट करते हैं अब बात आती है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है ये कितना जो है मैक्सिमम तरीके से दो चीजों का आपस में जोड़े हुए है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की वैल्यू हमारे पास होती है वन अब अगर यहाँ बाइनरी नंबर्स को देखें हमारे पास होता है जीरो फॉर मिनिमम एंड वन फॉर मैक्सिमम तो इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू तो द अदर टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर और इट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इसका नाम भी रोनेट कर रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्स न्यूक्उंस को बाइंड करती है न्यूक्लियस बनाने के लिए इसकी रेंज है टेनस्टोपा माइनस फोर्टीन मीटर तक यानी इतने डिस्टेंस तक की फोर्स जो थी अप्लाई करती है इसके एक्सचेंज पार्टिकल हमारे पास ग्लियन यानी इसके एक्सचेंज से हमारे पास न्यूक्लियंस आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं दूसरे को इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है हमारे पास वन अब चलते हैं सेकेंड दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स की अट्रैक्शन होती है उनको आपस में अट्रैक्ट करवाती है तो इट इज़ बेसिकली द अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स यानी इट इज़ अ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स अब ये फोर्स ऑफ़ अट्रैक्शन भी हो सकती है फोर्स ऑफ रिपल्शन भी अगर हमारे पास दो अनलाइक पार्टिकल्स होंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगी लाइक like होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो हमारे पास रिपल्शन होगी अब हम इसकी बात करते हैं इसकी रेंज की अभी जो मैं हेडिंग्स लिख रही हूँ बेसिकली यही हमारे पास एम सी क्यूज बन के आते हैं और आपने ये चीज़ों को याद रखते शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स की कौन सी फोर्स क्या करती है उसकी रेंज क्या है मटीरियल क्या है उसकी एक्सचेंज और रिलेटिव स्ट्रेंथ अब जो इसकी रेंज है बुक में हमारे पास इन्फेनाइट लिखी हुई है अब मैं बताऊँगी इन्फिनाइट क्यों लिखी हुई है अब इन्फिनाइट इसलिए लिखी हुई है कि जो इसकी रेंज है वो डिपेंड करती है चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर कितना चार्ज है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं एक ऊपर प्लस वन और एक ऊपर माइनस वन का चार्ज है जो अट्रैक्शन या फोर्स इन दोनों के दरमियान होगी वो नो डाउट वीकर होगी देन द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स और दैट आर हैविंग अ चार्ज ऑफ प्लस टेन एंड माइनस टेन यानी अगर दो पार्टिकल्स का चार्ज की मैंगट्यूट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनकी जो फोर्स होगी अट्रैक्शन की वो ज़्यादा होगी और एक ज़्यादा एरिया पर जो होगा उनका डिस्टेंस कवर कर पाएगा समझ आ गई अब ये बात अगर दो होंगे प्लस वन माइनस वन वाले पार्टिकल्स तो उनको हमें करीब रखना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें लेकिन अगर प्लस टेन और माइनस टेन होगा तो वो फ्रॉम फार अ पार्ट भी अट्रैक्ट कर पाएंगे अब अगली बात आती है हमारे पास इसके एक्सचेंज पार्टिकल की इसकी एक्सचेंज पार्टिकल इज वेरी वेल नोन दैट इज़ द फोटोन इसके एक्सचेंज पार्टिकल हमारे पास फोटोन जो कि हमने बहुत दफ़ा चैप्टर चैप्टीन में भी पढ़ा है नाइनटीन में भी बार बार पढ़ा है फोटोन फोटोन में पास क्या होता है बेसिकली डिस्क्रीट पैकेट ऑफ लाइट होता है एनर्जी होता है हम इसको गैमर रे भी कह सकते हैं फॉर इंस्टेंस क्योंकि फोटोन इज बेसिकली एनर्जी जिसकी हमारे पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वेव वगैरह होती है और इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अब कितनी है अब इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम देखें सो वी हैव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज टेन बेस टू पार माइनस टू इसकी जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ है अब लिटल में फोर्स हमारे पास चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स के दरमियान की फोर्स है इट कैन बी द अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पार्टिकल्स और रिपल्शन बिटवीन लाइक पार्टिकल्स रेंजिस इन फ्लडर डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ यू चार्ज अपॉन द पार्टिकल एक्सपीरेंज पार्टिकल इसका फोटो ऑनलेटेशन माइनस टू है अब फिर नेक्स्ट पेज पर अपनी बाकी रिमेनिंग दो हैं वीक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स उनको स्टडी करते हैं तो गाइज अब हम देखते हैं अपनी थर्ड फोर्स दैट इज द वीक फोर्स अब वीक फोर्स हमारे पास इसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं जिस तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी जो न्यूक्लियस के अंदर इंटरेक्ट करी थी इस ये भी फोर्स जो है न्यूक्लियस के अंदर ही है बट इसका जो हमारे पास कहते हैं कि इसको जो हम फील कर सकते हैं उसकी इतनी सेंस नहीं है इसकी इतनी वो फील नहीं हो पाती ये बहुत वीक है इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का अब पहली बात हमारे पास आती है वीक फोर्स की कि ये एप्लीकेबल कहाँ होती है तो ये एप्लीकेबल होती है हमारे पास इन कन्वर्जन या एक अब बुक में लाइन लिखी हुई है टू चेंज द फ्लेवर ऑफ कॉर्क चेंज द फ्लेवर ऑफ कॉर्क अब बेसिकली यहाँ वर्ड आता है कॉर्क इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अब कॉर्क बेसिकली हमारे पास होते हैं बहुत सारे बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो छः तरह के होते हैं डाटा दिए अप डाउन टॉप बॉटम स्ट्रेंज एंड चांद उन सब के अलग अलग चार्जेस होते हैं मैग्नीट्यूड होते हैं अब ये वीक फोर्स का क्या होता है कि इन्हीं छः कॉर्कस को या तो तीन के ग्रुप में या दो के ग्रुप में अलग तरीके से इंटरेक्ट करवाती है और इनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्जर एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनाती है जिनको हम हैड्रॉन्स वगैरह कहते हैं सो so, वीक का क्या काम होता है कि इन कॉर्कस को जो कि छः टाइप के हैं इंटरेक्ट करवा के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बनाती है फॉर एग्ज़ाम्पल के छोटे से एग्जाम्पल लिखो तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो जो है डाउन क्वार्स हैं और एक मेरे पास अप कॉर्क है एक ये मेरे पास पूरा बेरियन बनता है अभी आप आपने पढ़ा नहीं है ये आगे तक कि नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है और फॉर एग्जाम्पल के मेरे पास ये दो हैं एक डाउन है और एक मेरे पास फॉर एग्जाम्पल है अप तो ये बस पास मेजोन है ठीक है यानी कॉक्स को अलग कॉम्बिनेशन पे रख के तो हम लोग क्या करते हैं उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब अटोमिक पार्थ लार्जर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बनाते हैं कॉक्स को जोड़ के अब हमारे पास आती है इसकी नेक्स्ट पाथ जो कि है इसकी रेंज तो जो इसकी रेंज है वो बहुत छोटी सी है दैट इज टेन रेस टू पार माइनस एटीन मीटर अब इसकी रेंज छोटी क्योंकि इतनी वीक है कि अगर हम इनको इतना करीब रखेंगे तब इस फील इस फोर्स को फील कर पाएंगे इसलिए इसका जो रेंज है बहुत थोड़ी है बहुत थोड़ी रेंज तक जो होती है एप्लीकेबल होती है अब अगली बात हमारे पास है इसके एक्सचेंज पार्टिकल्स अब अगेन इसके एक्सचेंज पार्टिकल भी कन्फ्यूजिंग वर्ड होगा अभी तक जिन बच्चों ने चैप्टर पूरा नहीं स्टडी किया हुआ अब जो इसके एक्सचेंज पार्टिकल है दैट इज आबू सॉन अब ये बसौन हमारे पास क्या है बसौन बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल है जो कि चार्ज भी होता है न्यूट्रल भी होता है हमारे पास और ये हमारे पास वीक फोर्सेस यानी कॉक्स को चेंज करने पे एक्सचेंज पार्टिकल के तौर पे काम करता है अब यहाँ जो हमारे पास आते हैं तो यहाँ हमारे पास बेसिकली तीन तरह के बसॉन्स होते हैं एक होता है जेड नॉट जो कि न्यूट्रल होता है एक W प्लस हमारे पास होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और एक हमारे पास होता है W नेगेटिव जो कि नेगेटिव चार्ज बोसॉन होता है फिर लास्ट बात मेरे पास आती है अगेन इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ की इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है ये कितने है? हम कहते हैं कि जोर से एक दूसरे को खींचते हैं बहुत थोड़ी सी रेज टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है यानी हमारे पास वीक फोर्स कॉक्स को, को एक टाइप दूसरे टाइप पे करने जोड़ती है आपस में फ्लेवर ऑफ कॉक यानी कॉक्स को डिफरेंटली अलाइन करती है हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनाती है इसकी रेंज हमारे पास ये थी एक्सचेंज पार्टिकल बसॉन था एक न्यूट्रल था जी नॉट एक हमारे पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज था रिलेटिव टेन एस रुपा माइनस सिक्स थी हमारे पास अगला दैट इज़ द फोर्थ वन एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अब ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है वीकेस्ट प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर हमें वॉक करना है आई वॉन्ट टू रन आई वॉन्ट टू जम्प आई वॉन्ट टू क्लाइम अब ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह एप्लीकेबल होती है अब ग्रेविटेशनल फोर्स का पर्पज़ क्या होता है कि ये स्मॉलर एरिया पे काम नहीं कर रही होती ये एक लार्ज एरिया पे यानी ये यूनिवर्सिस को आपस में जोड़ी होती है स्टार्स को गैलेक्सीज़ को अब अगर मैं बात पूछूं कि सैटरन के इर्द गिर्द उसकी रिंग क्यों प्रेजेंट है तो इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास रॉक्स की एक रिंग है उसको सैटरन के इर्द गिर्द खींचे हुए और रखे हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली यूनिवर्सेज यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट गैलेक्सीज़ को स्टार्स को प्लानट्स को आपस में जोड़े हुए है अब अगली में बस की बात आती है कि लिखूँ तो इसका काम क्या होता है कि जॉइनिंग और अट्रैक्शन बिटवीन यूनिवर्स और अट्रैक्शन बिटवीन स्टार्स बहुत सा लिख सकते हैं स्टार्स के दरमियान इंटरस्टेशल भी हो सकती है बहुत कुछ अब अगली बात आती है मेरे पास इसकी रेंज तो जो इसकी रेंज है मेरे पास वो हम कहते हैं कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड कैन नॉट बी डिफाइंड आप क्यों नहीं डिफ़ाइन कर सकते इसको क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट सिनेरियोस पे डिफरेंटली अप्रोच कर रही होती है फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक शख्स जो कि हाइट से फॉल करता है उसके ऊपर जो ग्राउंड ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है बहुत दूर रेंज से एग्जर्ट कर रहा होता है ग्राउंड ये है और मेरा जो बंदा है बहुत ऊपर है तो इतने डिस्टेंस से भी वो जो फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जबकि अगर मैं जंप करती हूँ तो मेरे पर फोर्स भी लगती है बहुत थोड़ी होती है जबकि रेंज तो बहुत थोड़ी थी इस वजह से जो इसकी रेंज है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंटली एप्लीकेबल होती है डिफरेंट सिनेरियो तो डिफरेंट रेंज होगी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की फिर आते हैं इसका एक्सचेंज पार्टिकल जो इसका एक्सचेंज पार्टिकल है वो बहुत सिंपल सा है इसके नाम की तरह ही है एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेविटॉन अब ग्रेविटॉन अभी तक जो है हमारे पास प्रॉपरली डिस्कवर्ड या कन्फर्म्ड नहीं है इट इज़ नॉट कन्फर्म क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट ने सिर्फ एक एग्जाम्पन या एक बिलीव है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सचेंज मटीरियल बस ग्रेविटॉन है लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स so जो इंटरेस्टेड है आगे जाके फिजिक्स में कुछ करने हावा चांस कि वो इसको प्रूव कर सकें कि वेदर ग्रेविटॉन इस तस्चेंज पार्टिकल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉट विद लेक्चर तो यहाँ आग, जो हमारे पास पार्टिकल मटीरियल है एक्सचेंज तो मटीरियल काम कर रहा है वो पार्टिकल है ग्रेविटॉन लास्ट बात आती है हमारे पास इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत थोड़ी है माइनस फोर्टी थ्री इतनी रिलेटिव स्ट्रेंथ है जो एक आमतौर पर एवरेज अप्लाई हो रही है एक एक्सचेंज मेरे तक आ देती हूँ एक्सचेंज पार्टिकल बोले एक्सचेंज मटीरियल बोले जॉब बोलना चाहते हैं तो एक्सचेंज पार्टिकल बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल जो इतना वेल डिफाइन नहीं होता बस हम कहते हैं कि हमारी बिलीव है साइंटिस्ट की कि ये आपस में दो जो एटम्स या मैसेज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं वो हमारे पास ये चीज़ें को एक्सचेंज करते हैं इन पार्टिकल्स को इन एक्सचेंज ऑफ दीज पार्टिकल्स हमारे पास वो आपस में इंटरेक्ट या रिपेल कर रही होती हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट प्लस इंपॉर्टेंट फोर्स है अट्रैक्शन बिटवीन स्टार्स है प्लस आप लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड फॉर एवरी वर्क हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड फॉर एवरी वर्क यानी हर काम के लिए चाहिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है इसकी रेंज डिफाइन नहीं है डिफरेंट नाई उस पर डिफरेंट है इस रेंज मेटीर ग्रेविटी बट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट लेटेस्ट टेंटर माइनस फोर्टी थ्री है तो अगर मैं छोटा सा स्केच बुलाऊँगा स्ट्रॉगेस्ट फोर्स है वो मेरे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एस एफ न्यूक्लियर फोर्स उससे कम स्ट्रॉन्ग है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स राइट उससे जो कम स्ट्रांग है मेरे पास वो है वीक फोर्स और जो सबसे मेरे पास वीकेस्ट है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स यानी स्ट्रॉन्गेस्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीकेस्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स तो गैस यहाँ के आज का मेरा छोटा सा लेक्चर एंड को पहुँचता है आई होप आपको बहुत कुछ समझ पाएगा बहुत कुछ क्लियर होगा इफ स्टिल एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चन सो फील फ्री टू कमेंट मिन द कमेंट सेक्शन बिल एन आई विल वेरी लवड और आनडर टू आंसर यो ऑल क्वेश्चन इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी नो बॉट यू प्रेजियस थाट्स इन दमेंट सेक्शन बिलो एन मो ओ वो इफ यू न्यू टू माई चैनल दिस इज यूर फर्स्ट विदाउट यूर व्यूइंग इन माई चैनल सो डोंट फॉर गेट हेट द लाइक आई कैन आंसक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मो वीडियो लाइक दिस तब तक के लिए अल्लाह हाफि अला नगेबान